अगर आपके पास भी Realme C33 मोबाइल है तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर मिलता है जो कि स्मार्ट टच का फीचर है। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप इसको यूज करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने फ़ोन को यूज़ कर पाओगे। तो भाई चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट टच फीचर के ऑप्शन को कैसे आप इनेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिला है स्मार्ट कंट्रोल, तो आपको स्मार्ट कंट्रोल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक तो पहले नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है स्मार्ट वेक, इसका मतलब यह है कि आपका फ़ोन अगर रखा होगा तो आपका फ़ोन का स्क्रीन बंद रहेगा, अगर आप जैसे अपने फ़ोन को उठा लोगे तो आपके फ़ोन का स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिफ्ट टू चेक फ़ोन, इसका मतलब यह है गाइस आपका फ़ोन अगर रखा होगा तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं दिखाई जाएंगे लॉक स्क्रीन पर, और जैसे अपने फ़ोन को उठा लोगे तो उसके बाद आपको अनलॉक करना है फ़ोन को और तब आपके नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। उसके बाद स्मार्ट मोशन का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिल रहा है पॉकेट मोड, इसका मतलब ये गाइज इस पर आप इनेबल करोगे इसको तो यहाँ पर टच डिसेबल, यानी आप जैसे अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हो तो आपके फ़ोन का टच जो है डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप इसको इनेबल करते हो, तो आपके फ़ोन में फालतू में टच नहीं चलेगा, स्क्रीन नहीं ऑन होगी। उसके बाद स्मार्ट बेल का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखे होंगे तो आपके फ़ोन का जो यानी कि फ़ोन आते समय जो रिंगटोन होती है वाइब्रेशन होता है वो फुल मोड में चला जाएगा, यानी कि पूरी पूरी वॉल्यूम में आएगा, धीरे नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये पावर सेविंग का मोड है, ये बहुत ही अच्छा मोड है गाइस, अगर आपके फ़ोन जो है आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है तो आपके फ़ोन का जो वाईफाई होता है वो सब बंद कर दिया जाएगा और आपके फ़ोन की जो बैटरी है इस तरीके से बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो ये गाइस आपके कुछ फीचर थे जिनको आप यूज़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ़ोन को जो है स्मार्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से आप स्मार्ट टच फीचर को इनेबल कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।